अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मेरे जेबू ने सबको लाके तोहफा दिया। इसकी आंख तो ठीक हो गई, हमारी आंखें तोहफे में डूब गई है ना। ये किसने लेकर आया था ये सब चीज घर पर? जेबू ने। सबसे पहला जेबू की आंख मैंने ही देखी थी और मैंने इसकी मम्मी को बोला कि इसको आंख आ रही है तो पहले दवाई डाल। और अभी आ गई मुझे, नहीं इसके बाद आई आशु को, आशु के बाद आई मुझे, और अभी सुबह उठ के देखा तो अमीन की। अमीन मामू की आंख कैसी हो गई है है ना। और जेबू को दिखाओ, जेबू खड़े हो जाओ। देखो मेरी जेबू जा रही है स्कूल। वाह कितनी मस्त है मेरे जेबू की स्कूल की ड्रेस है। और अभी मुझे बोली नानी कैसी लग रही हूँ, तो आप बता रहे कैसी लग रही है मेरी जेबू, है ना जेबू। अब स्कूल जाएगी, फिर स्कूल से आएगी, फिर कहाँ जाएगी जेबू? नहीं, स्कूल से आने के बाद कहाँ जाते हैं फिर? ट्यूशन। ट्यूशन है ना। और मदरसे जाकर आ गए ना? आज नहीं गई ना तू मदरसा? तो जाओ अभी स्कूल जाओ, फिर आ जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर देखेंगे अपन शाम को कुछ करते, ठीक है? चलो बाय। बोलो बाय बाय। मेरी जेबू खुद अपने आप शूज पहन लेती है, वेरी स्मार्ट गर्ल है ना जेबू। यस गुड गर्ल, ऐसे ही होना चाहिए, एक्टिव। जल्दी जल्दी कर बेटा, वो नीचे ऑटो वाले अंकल आ गए। चलो बाय बाय। करके ऐसा इधर भी लग गए आप। बारिश है ना, इधर भी पूरा घर साफ करने लग गए। सब सोफे के कवर निकाल बताओ। क्लीनिंग क्वीन अंजुम कर देता है क्लीन ना। टाइम ही नहीं मिला आने की वजह से ना, इतना इरिटेट हो रहा है सब चीजों से। मैंने सब क्लीन करके लिए दवा डाल दिया, डब्बे में डाल दो मीना पा, ठंडी हो जाएगी। फिर वो आयुब दुनिया भर का चिल्लाएगा रोटी बनाए, ठंडी रोटी बनाए। बेवकूफ लोग क्या बोलेंगे, ये तो नेचुरल डिजीज है, ये होता ही है, नेचुरल डिजीज है, अल्लाह की बनाई हुई चीजें है। लेकिन कल मुझे देखना है कि कितने लोग अपने चैनल चीजें क्या चैनल चलाने के लिए सायरा सत्तानी का घड़ा भर गया पाप का, तो उसकी आंखों को ये हो गया वो हो गया। पर बेवकूफ लोगों को नहीं पता कि ये कुदरती चीजें है और ये डिजीज जब तक दुनिया है तब तक चलेगी ये सब चीजें। लेकिन कल मुझे देखना है लोगों के चैनल्स पे। सिंपति गेनर को असली रूप दिखेगा कल। ये मेरे बेटे के लिए आज थोड़ा सा कूट काट के बना रही हूँ। तो अभी तो जुवेरिया ने तो सब दोपहर का खाना बना दिया, अमीना आपा ने और जुवेरिया ने मिलकर रोटी बना दी, क्योंकि अयुब को गर्म रोटी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अमीन के लिए थोड़ा सा मैरिनेशन में कर लूँ, और मस्त शाम के लिए झींगे भी निकाली। मेरा दिल कर रहा था कि झींगे हुक्के के साथ मजा आ रहा है। बोलना जरूरी है, लाजमी है मुस्लिम हो तो। इसको तेरे को खाने का है, चिची चाहिए, चाहिए। आपके ऊपर चढ़ गई होंगी। बोलना दादी दो रेडी को तो देख जरा। ये खिलाओ। अच्छा है? अच्छा है? अच्छा तीखा 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 लग गया। दीदी कान में भी हो गया, देखना इसको। जा पानी पी जा। नहीं बहुत मस्त बनाई, मैं भी खाने वाली। तीखा तो नहीं है ना ज्यादा? बहुत टेस्टी है। अयुब की तरी दार सालन मटन का ये बनाई है मेरी बहू ने एक्चुअली, और मैंने तो अमीन का डाइट वाला खाना बनाई, उसमें मैंने भी थोड़ा सा शुरू हो गई हूँ। और अभी हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। घंटा आपका तरीदार सालन तैयार, जुएरिया ने बनाया है। लाओ भाई पेट का खाड़ा पूरे, भूख लागे लीजे। ये समय तन तन बहिरा गर्मा तईने जल्दी थी जमवानो। बोले तन तन बहिरा तो बे मारा बहिरा एक मारी वो कल कमेंट आया था अयुब अंकल सायरा आंटी आई जब से तुम्हारी आवाज ही बंद हो गई। भाई सुने अभी आवाज की बंद
सुने आवाज सुने? फोन बोला चालू है अपनी आवाज। हाँ कभी बंद नहीं हो सकती है रंटाक की आवाज। मेरी आवाज सुनो। एक आग में तीन टिपका डाल रहे। एक आग में तीन ही डालते बेटा। अरे मैं तो एक ही डाला हूँ। ये अच्छा लगता दादी को तो, और इससे तो मैं तो हाथ जोड़ती हूँ भाई। हाँ हाथ जोड़ती हूँ भाई। अशोक अरे बाप रे सुन तो अशोक आपको ये हम लोग को तकलीफ दे के खुद ही कितने मजे से घूम रही है। हम लोग को तो तकलीफ दे दी थी। देखो भाई भाई तुम्हारे हाथ जोड़ू छू भाई दूर जाओ भाई है अशोक। चल अपने दादी जावे तो तुम लोग याद आवे दादी को आएगी दादा आएगी किसको याद आएगी मेरी और आशु को आएगी नहीं आएगी। तो दादी को याद नहीं करेगी तू तो दादी नहीं आवे पर दादी आवे कि नहीं। जाओ जाओ बॉम्बे जा जा गाड़ी मोटर बाय बाय। चल हवा कर दे दादी जा रहे हवा कर दे। क्यों हवा नहीं करती अभी कितनी शानी बच्ची कितनी शानी बच्ची किसको याद आएगी ज्यादा मेरी पहले ये ओ माँ। तो फोन फोन कौन करेगा दोनों दोनों क्या जा 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 गाड़ी मोटर देखो बेटा मेरा फोन उधर है वो और मेरा चार्जर सब लेकर आ जा मेरे ठीक है। चलो आ जाओ सब लोग अभी तो खुश ही जाएगा ना मेरा बच्चा खुश होगा। हाँ मम्मी को नहीं सताना मम्मी को भी यहाँ आ गई ना मम्मी को सताना लिखू मामी को नहीं सताना बेटा बाय बाय। देखो जो तुम नई चप्पल लिया थी उसने मम्मा की चप्पल खराब कर देगी। ओ माँ कहाँ है डैडी नाना कहाँ है कौन सी मीटिंग चाहिए मेरे को बुला के लाए जेबू नानी चुहा मीटिंग चालू है अंदर। क्या चालू थी जेबू क्या चालू थी क्या चुहा मीटिंग कर रहे थे तुम इधर अकेले अकेले मैं तो बाथरूम गया मैं आई वैसी भागते क्यों चुहा मीटिंग क्या कर रहे थे बाथरूम गया। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा अमीना आपा से गले लग रहे थे कि चल अमीना जा रहा हूँ अलविदा ले रहे थे। ठीक हो जाएगी तो आएगी अभी है ना नहीं अभी इसके आपको की छुट्टी पड़े ना भाग रहे मम्मी तो सिर्फ 3 मिनट बचा है ट्रेन के लिए ट्रेन छूट जाएगी हम लोग की ऐसा लगता है बट छूटेगी नहीं। लौट के घर पर आ गए दुनिया के वर्ल्ड के कोई भी जगह पे जाओ लौट के घर ही आ जाते हैं। दो बिचारे बिना सहारे दिख रही है ना आग और अभी जुएरिया का फोन आया ट्रेन में तो उसकी भी एक खिड़की पूरी बंद हो गई है। अयुब की भी एक आग से थोड़ा थोड़ा पानी चालू हो गया और अमीन भाई की तो पूरी एक आग तो पूरी खराब हो चुकी है दूसरी आग का और बाकी देखो जैसी मेरी जिंदगी छोटी सी वो आप लोगों के सामने हमेशा खुली किताब की तरह रहती है और अयुब को आदत है जब भी बाहर से आओ ना तो उनको चाय की बहुत तलब रहती है। मुझे इतनी रास्ते में बुखार चढ़ गई थी इसकी वजह से और वैसे भी नहीं भी होना तो भी अल्लाह उनको अच्छा रखे वो कभी भी मुझे चाय बना के पिलाते और मुझे बोलते तू चाय पी मैं नहीं भी पीऊँ तो चाय बना के बोले बहुत अच्छी बना है पी ले थोड़ी पी ले। तो अभी वो चाय रख के उन्होंने बोला कि तू बैठ मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ
और ये रहा नली। और इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी, मैंने काफी एक दो सवाल देखे थे लोगों के कि अली को लेकर क्यों नहीं जाते हो, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कुछ बातें करूंगी। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझती, पर जहाँ कहीं कुछ बात ऐसी लगती है मेरी फैमिली के रिलेटेड हो या मेरे रिलेटेड हो, मुझे लगता है कि इस बात को करना चाहिए तो मैं करती हूँ, थोड़ा कंटेंट दे देते हैं, हाँ तो मैं करती हूँ। बाकी तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, और जितने लोग मेरे पीछे भोगते हैं ना, सिर्फ भोग ही सकते हैं, तोड़ कुछ नहीं सकते, ये खुले चैलेंज में मैं बोलती हूँ। और सूरत के घर में इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरी वो फैमिली बहुत सीधी है, अमीना आपा बहुत सीधे हैं, अमीना आपा को लेके भी वो टकली ने बहुत कुछ बोला है, तो जो जिसकी क्वालिटी है ना, तो वो क्वालिटी वो हर किसी के ऊपर दिखती है उसको, तो वो उसकी नज़र हमेशा नीचे ही रहती है क्योंकि उसकी क्वालिटी वही है। और मैं उसके बाप से क्या किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, और जितना बकबक बकबक करते तो मैं सोचती हूँ कि मेरा उतना प्रचार होता है, मेरा उतना ऐड होता है, उतना मतलब सायरा सत्तारी कभी नीचे उतर नहीं सकती क्योंकि इतने लोग बैठे हैं मेरा ऐड करने के लिए। तो बिंदास करते रहो, हाँ जो मेरे लिए बोलते ना एक अल्लाह उसको खुश नहीं रखे, तो मैं तो बोलती हूँ अल्लाह पाक सबको खुश रख और उसको भी खुश रख। तो इसी बातों के साथ फिलहाल तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और कल जरूर बात करूंगी थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मेरा अली कि ना किसी के लेने में है ना किसी के देने में, लेकिन जब बजाने पे आएगा ना सबसे ऊंचा अली खड़ा रहेगा क्योंकि उसका नाम अली है। तो खुश रहो, आबाद रहो, और किसी को भी बद्दुआ मत दो, हर किसी को दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।